अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कामिल मियां। अच्छा, इधर जो है मैंने सुना है काफी बाढ़ आ गई थी। काफी बाढ़, अल्लाह का शुक्र है कि जाने सलामत है, बाकी नुकसान बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान सब आपकी नज़रों के सामने है। ये कल का दिन था तो इस दुकान से सामान ले लेके लोग जाते थे अपने घर गृहस्थी का, आटा राशन तेल दाल हर चीज़ मुहैया थी इस दुकान में। अब इसमें इतना भी नहीं बचा जो हम अपना पेट भर सकें, अपने खाने के लिए तैयार कर सकें। अच्छा, काफ़ी बुरे हालात हैं। सामान कुछ हमारा इधर पड़ा है, छत पे पड़ा है, कुछ इधर ये हमारा फ्रिज इधर लग गया है, सारा सामान कबाड़ की हालत में बदल चुका है। और हमारा मकान भी ये अंदर से दरार पड़ गई जो कि। अच्छा, कितने फीट पानी आ गया था यहाँ? पानी यहाँ 6 फीट था, 6-6.5 फीट लोग तैर तैर के निकल रहे थे। कोई मदद के लिए पहुँचा यहाँ पे? कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा, यहाँ अपनी छतों पे थे और हमने यहाँ नूर बंगला भूत बंगला मस्जिद कमेटी वालों ने हम लोगों की मदद करी, खाना बना बना के पहुँचाया। प्रशासन की तरफ से ना कोई हाल चाल पूछने के लिए आया, ना खाना पहुँचाने के लिए आया। हमारे 48 घंटे ऐसे कटे कि जैसे कि जेल में भी अच्छे कटते होंगे। तो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित था आप हैं? हमारा नुकसान बर्दाश्त करने काबिल नहीं, हमारा यही धंधा था। तो आप बीमार आदमी हैं, हम मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, हम भीख भी नहीं मांग सकते। और लोग कहीं भीख मांग के गुजारा कर ले, हम सैयद बिरादरी से भीख भी नहीं मांग सकते। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हम बहुत लगा रहे हैं कि हमें इतना दे दिया जाए तो हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार चल सके। चलो, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आपकी इस सूचना को आगे तक पहुँचाने की। आपका बहुत दर्द है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है।